मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का प्लान फेल हो गया है। राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह ने इस सीट पर 400 से ज्यादा नामांकन पत्र भरवाने की तैयारी की थी। उनका प्लान था कि 384 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे तो फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, लेकिन नामांकन भरने के दो दिनों में सिर्फ 19 नामांकन पत्र ही जमा हो पाए, जिसके बाद दिग्विजय सिंह की एक कवायद फुस हो गई। अब ऐसी रणनीति से किनारा करते हुए उन्होंने एक नया बयान दिया है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे पुनः राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया, और उसी आदेश के अंतर्गत मैं आज राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना पर्चा दाखिल किया है। मैं चाहता था मतदान बैलेट पेपर से हो, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि माननीय चुनाव आयोग अगर 384 से ज्यादा भी होंगे तो वो एक कंट्रोल यूनिट और लगा के 24 और लगा देंगे, नागनी की 384 और फॉर्म भी भर दो तो वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे। तो फिर इस बात पर जब जानकारी मिली तो मैंने पुनर्विचार किया और फिर कहा कि चलिए अब ईवीएम से संघर्ष करेंगे। आपको बता दें कि राजगढ़ सीट से उम्मीदवारी घोषित होने के बाद दिग्विजय सिंह लगातार लोगों से अपील कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हो तो 384 से ज्यादा नामांकन पत्र जमा करें। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।